अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज की वीडियो के अंदर मैं इराकी बर्ड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर सबसे पहली पिक्चर आपके सामने, आप इस कबूतर को देख सकते हैं। इराकी हाई फ्लाइंग टम्बलर है और इस वीडियो का मकसद आपके सामने उन तमाम कबूतरों को रखना है जो बेसिकली इराक से स्टार्ट हुए और उनके अंदर मिक्सेस क्या क्या हैं और पाकिस्तान में उनकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। ये इराकी हाई फ्लाइंग टम्बलर है, आप इनकी दुम का स्टाइल देख सकते हैं। कबूतर बहुत स्ट्रेट खड़ा होकर उड़ने वाला कबूतर है और टम्बल करता है। आप इसका हेड शेप अपने जहन में रखिए क्योंकि मैं इसी के आगे मिक्सेस आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि बेसिकली पाकिस्तान में और इंडिया में जो कबूतर बने हुए हैं वो किस तरह से बने हुए हैं और उनको हम किस तरह से जज कर सकते हैं। तो जनाब, ये अभी आपने एक पिक्चर देखी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कबूतर काफ़ी लेंथ में होता है। ये बिल्कुल प्योर नस्ल जिसमें एक खड़ी दुम थी और ये थोड़ी सी लंबी सी दुम लिया हुआ कबूतर है। फेस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, दुम देख सकते हैं, इसकी खुली होती है क्योंकि ये कबूतर बिल्कुल स्ट्रेट 90 के एंगल पे खड़े होकर उड़ते हैं और टंबल करते हैं। फेस और हेड बिल्कुल राउंड शेप में होता है। कभी कभार कुछ कबूतर इसमें लंबी फोरहेड थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन चोंच हमेशा उन कबूतरों की छोटी होती है। गर्दन सुराहीदार बिल्कुल नहीं होती बल्कि गोलाई में होती है और शोल्डर के साथ मिलती भी होती है, शोल्डर अलग से नज़र नहीं आते। इन कबूतरों में दुम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 14-16 तक भी पर होते हैं और अगर आप इस कबूतर को देखें तो आपको याद होगा पुराने सियालकोटी शार्के जो कहलाए जाते थे वो कबूतर इसी तरह के थे। कलर्स का दोस्तों, मैं जिस तरह हमेशा से कहता हूँ कि ब्रीड से कोई ताल्लुक नहीं होता किसी भी तरह की कलर का, ब्रीड बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। अपने हाई फ्लाइंग टम्बलर्स देखे, ये उनकी मैं वीडियो भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक वीडियो भी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कबूतर दिखने में कैसे होते हैं। मोस्टली ये कबूतर कांटा लिए हुए होते हैं जिसको लका गर्दन भी कहा जाता है, कांटा गस कबूतर होते हैं और ऐसा नहीं भी होता। कुछ क्लासेस में जो कांटा गस वाली प्रॉपर्टी है वो मेंटेन की गई है, कुछ में नहीं है, लेकिन जो आइडेंटिकल बात है वो इनके एक दुम का ख़ास शेप है, इनके बॉडी का एक ख़ास शेप है जो आप सामने अपने देख सकते हैं। बाजू ये किस तरह से रखते हैं, गर्दन किस तरह से होती है, इनका हेड किस तरह से होता है, ये आप सब अपने सामने देख सकते हैं। ये कबूतर 8 से 10 घंटे की परवाज़ रखने वाला कबूतर है सख्त गर्मी में, और ये मैं ड्रग्स के बग़ैर की बात कर रहा हूँ। ड्रग्स के बग़ैर ये कबूतर 8 से 10 घंटे उड़ते हैं। अगर आप इन कबूतरों के रंग को भी देखते हैं तो शायद आपको 35 वालों की भी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ में आ रही होगी कि वो कहाँ से आए, लेकिन ये बहरहाल ये कलर कहीं भी हो सकता है। इसमें जो दूसरी फॉर्म है वो कहलाती है इराकी टिपलर्स। इराकी टिपलर्स छोटे साइज़ के कबूतर होते हैं, मीडियम साइज़ से भी छोटा मैं कहूँगा। हेड शेप आप इनका देख सकते हैं बिल्कुल गोल है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल शाहजहाँपुरी जो हमारे पास हरे जो मेंटेन किए गए हैं वो बेसिकली इन्हीं कबूतरों में से। ये कबूतर मोस्टली कांटा गस होता है, आप इसके सीने का शेप देख सकते हैं कि किस तरह से होता है, बिल्कुल सीना फ्रंट पे लिया हुआ ये कबूतर होता है, थोड़ी सी उठी हुई पोजीशन में, लेटी हुई बॉडी स्ट्रक्चर पे नहीं होते। ये कबूतर हाई फ्लाइंग टम्बलर से ही क्रॉस करके बनाए गए हैं। अगर आप इन ललसरों को देखें तो आपको पाकिस्तान इंडिया में ललसरे गलवे समझ में आ जाएंगे कि ये कबूतर कहाँ से आए हैं। इनकी दुम जो है मोस्टली वो बंद दुम होती है, एक पत्ता दुम भी होता है, बाज़ औक़ात एक पत्ता दुम भी होती है, कई दफ़ा एक पत्ता नहीं तो एटलीस्ट दो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के कबूतर होते हैं। ये बेसिकली टिपलर्स हैं, ये कबूतर 90 के एंगल पे नहीं उड़ते, बंद होते हैं कुछ टाइम के लिए लेकिन ज़्यादातर कबूतर सामने रहता है। बहुत स्लो परवाज़ के कबूतर होते हैं, स्लोली मूव करते हैं। कांटा इनमें प्रोमिनेंट है तमाम कबूतरों में। अब मैं आपको जितने कलर्स इस कबूतर के दिखा रहा हूँ ये तमाम इसके कलर हैं, इसमें बेतहाशा कलर मौजूद हैं, लेकिन आप अगर शेप इनकी देखें तो वो आपको 100% एग्जैक्टली सेम नज़र आएगी। ये इराकी टिपलर्स हैं, स्मॉल बॉडी साइज़ टू मीडियम बॉडी साइज़ होता है। आप इसकी गर्दन देखते हैं तो इसके अंदर कुछ कबूतर जो ज़्यादा थोड़ा सा लोअर एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले हैं वो ज़रा लंबी गर्दन पे हैं और ज़रा जो चौड़ी गर्दनों के कबूतर हैं थोड़ा हायर एल्टीट्यूड पर उड़ता है।
तो इन कबूतरों के बहुत से मिक्सेस पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसी वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि आखिर में गेम क्या हुआ है। ये कलर बहुत आसानी से मिलता है इनमें, जो बिल्कुल प्योर ब्रीड है वो बे इंतहा सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर के कबूतर होते हैं। हेड शेप अगर आप इसका देखते हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक आइडेंटिकल है तमाम कबूतरों में। इनका सर ऊपर से गोल घूमता हुआ आ रहा होता है, गर्दन चौड़ी होती है, सीना फ्रंट पे निकला हुआ होता है, टांगें छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इसमें जो प्योर कबूतर हैं वो ज़रा छोटे पंजों के कबूतर होते हैं और उनकी जो टांगें हैं वो आप सामने देख सकते हैं, राने कोई बड़ी नहीं होती। ये इसकी मैं आपसे वीडियो भी एक शेयर कर रहा हूँ। ये एक इसका एक कलर है जिनको लोग अंबर सिरे जलवे जले हुए अंबर सिरे भी कहते हैं। आप इनका शेप देख सकते हैं, इन कबूतरों का साइज़ देख सकते हैं। ये कबूतर आपको 100% प्योरिटी में इसी तरह से मिलेंगे। इराक़ में ये चीज़ मेंटेन्ड है। इन कबूतरों में परवाज़ बेतहाशा है क्योंकि इसमें कबूतर जो बनाए गए हैं वो बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड 90 के एंगल पर उड़ने वाले कबूतरों के साथ कुछ मिक्सिंग करके ये चीज़ बनाई गई है। आप इसकी एक थर्ड फॉर्म देखते हैं, जिन कबूतरों में आपको कांटा तो नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आता ज़रूर है, लेकिन ये मज़ीद थोड़ा सा उसको क्रॉस कर, ये भी इराकी टिपलर्स हैं। पाकिस्तान में इस कलर के बेतहाशा कबूतर मौजूद हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, जिसको लोग फ़कीर गुल भी कहते हैं। तो जनाब ये कबूतर बेतहाशा उड़ान के हामिल हैं। गर्मियों में इन कबूतरों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में सियालकोटी कबूतरों को देखते हैं, जैसे आपके सामने कबूतर देख रहे हैं, इसको लोग ज़्यादातर अली वाला कहते हैं, ये कबूतर बेसिकली इन्हीं ब्रीड से बने हुए हैं। इसमें दो चीज़ें मैंने आपको प्योरिटी में दिखाई, ये उसकी बीच की चीज़ है, ये दोनों को मिक्स करके बनाए गए हैं, हाई फ्लाइट्स और टिपलर्स को। इनकी उड़ान 14 से 16 घंटे तक भी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में जो इनकी ही ब्रीड्स बनी हुई हैं वो कबूतर यकीनन इतना उड़ के दिखा चुके हैं लोगों को। इनके अंदर जो आइडेंटिकल बात है, कबूतर बहुत खुले सीने का होता है, सीना फ्रंट पे लिया हुआ, गर्दन मोटी और खोपड़ी हमेशा गोल होगी। अगर इसमें कोई तीसरी चीज़ मिक्स है, लो फ्लाइट ज़्यादा मिक्स हैं, तो वो चपटी खोपड़ी में होता है। पाकिस्तान में जो बने हुए कबूतर हैं, जिनमें पट्टी वाले ख़ास तौर पर जो छोटे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के कबूतर हैं, जिनको मोस्टली मद्रासियों के साथ मिक्स करके बनाया गया है या ईरानियों के साथ, वो बेसिकली इसी ब्रीड से बने हुए कबूतर हैं। मैं इन कबूतरों का आपसे भी फ्लाइंग पैटर्न भी शेयर कर रहा हूँ ताकि लोगों को क्लियर हो सके कि हर कलसरा छापदार कबूतर हाई फ्लायर नहीं होता। अब ये जो लटके हुए बाजुओं का कबूतर नज़र आ रहा है, ये हाई फ्लायर इसमें ज़रा आइडेंटिकल है। ये इनका उड़ने का तरीका है, ये कबूतर अलग नहीं उड़ते क्योंकि प्योर ब्रीड है। जब भी कोई परिंदा प्योर ब्रीड पे होता है तो एक साथ रहकर उड़ता है, तो ये कबूतर हमेशा झुंड बना के उड़ते हैं। और आप इनका घेरा देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा घेरा है इन कबूतरों का, ये कबूतर बड़े लंबे घेरे पे नहीं उड़ते। अक्सर औकात पाकिस्तान में जो पट्टी वाले कबूतर भी देखे जाते हैं, जो लोअर अल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, यानी मज़ीद उनको पट्टी वालों में मिक्स करके बनाया गया है इराकी टिपलर्स के साथ, या प्योरली इराकी टिपलर्स हैं और उनमें कलर सफ़ेद हैं, क्योंकि कलर बहुत सारे जो हैं वो आपको पता है कहीं भी मिलते हैं, देखने में बहुत सारी ब्रीड में मिलता है, वो कबूतर हमेशा इसी तरह से उड़ते हैं। इन कबूतरों की परवाज़ जैसे मैंने आपको बताया रात रात तक मौजूद है। ये कबूतर इराक़ की शदीद गर्मी में उड़ता है और यही कबूतर जो हिस्ट्री बताती है, जो मुग़ल एम्पायरर्स के दौर में कबूतर पाकिस्तान या इंडिया में शिफ्ट हुआ, वो बेसिकली यही कबूतर है। मैं आगे आपसे वो वीडियो भी शेयर करूँगा जो इस वक्त पाकिस्तान में कबूतर मौजूद है, उस हिसाब से भी मैं इन कबूतरों को उतरते हुए भी आप लोगों को एक बार दिखा दूं ताकि कंफर्म हो जाए कि मैं इन्हीं कबूतरों की बात कर रहा हूं जो कलसरे छापदार कबूतर हैं। ये कबूतर बंदिश में भी जाते हैं लेकिन एक जगह रुक के नहीं उड़ते, कुछ टाइम के लिए बंदिश में जाते हैं, उसके बाद ये कबूतर वापसी करता है। ये सब इराकी टिपलर्स हैं। इन्हीं के कुछ ब्रांड्स पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जिनको बांके और फिरोजपुरी कहा जाता है, वो इन्हीं कबूतरों में से निकले हैं, बने हैं, बनाए गए हैं। बताने का रीज़न ये, अब ये कि इंडिया की एक वीडियो थी कुछ साल पहले, एक साहब ने रिलीज़ की थी जिसमें उन्होंने कुछ अपने घर के हरी आँख के कबूतर दिखाए थे। अगर आप इन कबूतरों को फ्रंट से देखते हैं तो जो कबूतर मैं आपको इराकी टिपलर्स भी दिखाता हुआ आ रहा हूँ, ये एग्जैक्टली सेम है। उन्हीं के मिक्सेस हो सकते हैं इन कबूतरों के अंदर, लेकिन इन साहब के पास बड़े अच्छे तरीके से मेनटेन है ये ब्रीड। आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सामने जितने कबूतर है देख सकते हैं। फिर उन्होंने इनके आईज़ भी दिखाई जो कि ग्रीनिश कलर में, देखें आईज़ कोई भी आप मेंटेन कर सकते हैं, हर ब्रीड में मुख्तलिफ तरह के कलर्स आते हैं जिनको लोग मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर आप इनका हेड शेप देखते हैं, इनकी चोंच देखते हैं और इनका फ्रंट व्यू जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा,
तो आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली 100% प्योर इराकी टिपलर्स हैं। इन्हीं कबूतरों से फिर अक्सर भोपाल में कबूतर नज़र आते हैं जो इनसे बनाए गए हैं। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आप ये देख सकते हैं। इस ये जो कबूतर आपके सामने चलता हुआ आ रहा है जो सरा सा, या ये गहरे छापदार कबूतर हैं, ये तमाम के तमाम कबूतर सेम कॉम्पैक्ट साइज़ छोटे स्ट्रक्चर के और एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर के कबूतर हैं। शायद थोड़ी सी ब्रीडिंग की वजह से इनके सीने में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आ गया है, इनके बाजुओं में कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आता। तो इनमें जो हाई फ्लायर्स वाली चीज़ जो रखते हैं अपने अंदर, वो कबूतर आपको लटके हुए बाजुओं के नज़र आएंगे। इनका सीना बहुत ज़्यादा फ्रंट पे होगा और बाजू उनके ज़मीन की तरफ लगे होंगे, वो कबूतर हाई फ्लायर्स हैं। जो इनमें टिपलर्स हैं, जो बहुत स्लो परवाज़ पे छोटे घेरों पर उड़ने वाले कबूतर हैं, वो इस तरह के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के कबूतर हैं सारे के सारे। और यही कबूतर फिर हमारे पास सियालकोट में मौजूद हैं, लेकिन उनमें क्या मिक्सिंग की गई है और उसकी शक्लों में क्यों चेंजेस आ गई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जी जनाब, अब मैं पाकिस्तान के कुछ कबूतरों की बात करूंगा। अथर साहब इस्लामाबाद, उन्होंने मुझसे ये कबूतर शेयर किया कुछ दिन पहले। इस कबूतर को आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कांटागस, इसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है बिल्कुल जो मैं भी आपको इराकी टिपलर दिखाता हुआ आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये कन्फर्म किया कि बहुत छोटे घेरों पर उड़ने वाला कबूतर है और बेतहाशा परवास का हामिल है। इस कबूतर की ना तो कोई हड्डी लंबी है, कुछ भी नहीं है, ये एक ब्रीड की बात हो रही है। क्योंकि अगर आपके पास प्योर ब्रीड्स मौजूद हैं जिसको ब्रीड समझना चाहिए, ये कलर है इसका चीना, चीना कलर दुनिया के बहुत सारे कबूतरों में होता है। ये इसकी आप पिक्चर देखते हैं, मैं इसके हेड नेक और देन आपको मैं इसके चेस्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। अगर आप इसका पूरा प्रोपोर्शनली बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप अगर याद करें जो मैंने आपको कबूतर अभी दिखाए हैं, जो इराकी टिपलर्स दिखाए हैं, जो अभी इंडिया के एक ऑफेंसर के पास मैंने आपको कबूतर दिखाए, वो एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इस कबूतर में। और इसकी जो कांटा मारने वाली जो प्रॉपर्टी है, ये इस बात की गवाही देती है कि इसके अंदर जो ब्लड लाइन है वो इराकी टिपलर्स की एटलीस्ट 99% बिल्कुल क्लियर है। अब मैं उसी चीने को कंपेयर कर रहा हूँ एक इराकी टिपलर की पिक्चर के साथ। आप देख सकते हैं इसका हेड शेप और इसकी नेक, देन उसके बाद इसका चेस्ट। अगर आप उस पिक्चर के साथ कंपेयर करते हैं जो भी हमने चीना कबूतर देखा, तो वो एग्जैक्टली सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस जो आ सकता है जो उसकी टांगों के कद में या उसमें, तो वो तो आप जानते हैं कि अगर इंसानों के अंदर भी एक पेरेंट्स के 2 से 3 तरह के डिफरेंस में बच्चे हो सकते हैं कद काट के हवाले से, हर तरह से। ये एक और एग्जाम्पल है, ये भी अथर साहब का एक कबूतर है, लोकली सियालकोटी कहा जाता है, बहुत शानदार कबूतर है। इसके सीने में और इसकी बैठक में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन इसका साइज़ छोटा है जो मुझे समझ में आता है कि अगेन ये इराकी टिपलर्स में से, लेकिन इसका हेड शेप और नेक शेप थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू उसका उस इराकी टिपलर के जो अभी मैंने आपसे पिक्चर शेयर की। तो इसमें क्या मिक्सेस हो सकते हैं, मैं इसकी भी आपको पिक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये मैं साथ साथ आप लोगों को इस वजह से दिखा रहा हूँ और इस पूरे सिलसिले का मकसद ये है कि लोग समझ सकें। ये एक ईरानियन हाई फ्लायर है, अगर आप इसकी नेक और सर देखते हैं, बेशक ये चीना कबूतर है जो मैंने आपको दिखाया, उससे मिलता जुलता कबूतर है, लेकिन इसकी जो हेड और जो चेस्ट प्रॉपर्टी है थोड़ी सी डिफरेंट है, जो ईरानियन हाई फ्लायर्स होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं आ गया जनाब, ये हमारे पास जो शेप्स आई हैं जो लंबी लंबी उठे उठे सीने की और लंबी टांगों की, वो कहाँ से आई हैं जनाब? वो यहाँ से आई। ये एक लो फ्लायर पट्टी वाला कबूतर है, आप इसकी टांग देख सकते हैं, लेकिन इसके पंजे छोटे हैं, तो यकीनन इसमें इराकी टिपलर्स का ब्लड होगा। लेकिन इसका आप सीने का शेप देखते हैं और नेक देखते हैं, फिर मैं आपको आगे ये पिक्चर दिखाता हूँ। ये भी अथर भाई के घर की कबूतरी है, उन्हीं सियालकोटियों में से बनी है, लेकिन यकीनन इसके अंदर लो फ्लायर्स का पर गया है, तो कबूतर का स्ट्रक्चर एंटायरली चेंज हो गया है। इसी तरह हमारे पास जो टेडी बने हुए हैं वो इन्हीं एग्जांपल्स की एक अक्कासी करते हैं कि वो कबूतर इस तरह से। फिर ये भी अतर भाई की एक और कबूतरी है, ये कबूतरी मेल है व्हाट्सएवर, बट इसका भी अगर आप हेड शेप देखते हैं तो इराकी टिपलर्स है, नेक इराकी टिपलर्स है, लेकिन जो इसकी लंबाई नज़र आ रही है और जो इसका सीना नज़र आ रहा है, ये इस बात की गवाही देता है कि ये कबूतर भी पीछे लो फ्लाइट्स का ब्लड रखता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को, ये एपिसोड 1 है, ऑफ कोर्स एपिसोड 1 है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ।
और इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं अब तक जहाँ जहाँ गया हूँ मैंने वहाँ से बहुत सारे कबूतरों को जमा किया है। और इस पूरी सीरीज़ के अंदर लोगों को ये बताना है हर ब्रीड के हिसाब से कि असल में कबूतर बने कहाँ से हैं और हम ब्लड लाइन्स को किस तरह से पहचानते हैं। और अगर हम ब्लड लाइन्स पहचान लेते हैं तो फिर टूल्स आते हैं बाद में, जिसमें पर अच्छा होना चाहिए, नोक अच्छी होनी चाहिए, हड्डी अच्छी होनी चाहिए। मिलते हैं अगली एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।